तो लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि फेना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि मेरे पास मेरी मैजिकल स्वॉर्ड नहीं है जिसकी वजह से मैं अपनी कोई भी मैजिक पावर को यूज नहीं कर सकती हूँ। तभी स्पाइडर क्वीन इस जगह पर अपने कुछ ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और जो कि जाकर एक एडवेंचरर को लग जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को बाकी एडवेंचरर टीम को दिखाया जाता है जिन लोगों को स्पाइडर क्वीन के बारे में पता चल गया था। इसलिए सभी एडवेंचरर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और ये आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोगों को जल्दी से फेना को जाकर बचाना होगा क्योंकि उन लोगों के पास उनके वेपन भी नहीं है। तभी अमेंडा सभी लोगों को बताने लगती है कि हम लोग 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को जल्दी से फेना मिल सकती है। इस पर सभी एडवेंचरर राजी हो जाते हैं और वो 3 ग्रुप में बढ़कर फेना को ढूंढने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं। इधर हम फेरियन की टीम को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि हम लोगों को जल्द से जल्द इन लोगों को रेस्क्यू करना होगा नहीं तो इन लोगों की मौत हो जाएगी। तभी हम लोगों को अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि अपने विंड मैजिक का यूज करने लगती है जिसे देखकर स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है अमेंडा सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि इसने जिस मैजिक का भी यूज किया है इस चीज के बारे में मुझे भी पता नहीं है। इधर हम दोबारा से फेना को देखते हैं जो कि स्पाइडर क्वीन के जाले में फंस गई होती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तभी हम लोगों को स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो हम लोगों को बताने लगता है कि मैंने फेना से वादा किया था कि मैं उसे बचा लूंगा इसलिए मुझे किसी न किसी तरह करके फेना को ढूंढना ही होगा। और वो ये बोलकर अपने स्किल को चेक करने लगता है जिसमें इसे एक नई स्किल मिलती है जिसकी मदद से स्वॉर्ड मास्टर अब किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पर समन कर सकता है। तभी अमेंडा यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि इतने ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उसे फेना नहीं मिली थी। इस पर स्वॉर्ड मास्टर अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने अपनी पावर का इस जगह पर यूज किया तो मेरे बारे में अमेंडा को पता चल जाएगा लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और वो ये बोलकर अपने सिस्टम में चेक करने लगता है कि वो यहाँ पर किस किस मॉन्स्टर को समन कर सकता है। इस पर सिस्टम स्वॉर्ड मास्टर को बताने लगती है कि तुम यहाँ पर बोट टाइप के वुल्फ मॉन्स्टर को समन कर सकते हो जो कि फेना को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती है। इस पर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है मैं इतने सारे वुल्फ का क्या करूंगा मुझे सिर्फ एक वुल्फ चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। इस पर सिस्टम स्वॉर्ड मास्टर को ऑनिक्स वुल्फ के बारे में बताने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो फेना को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड मास्टर भी बिना कोई टाइम जाए कि यहाँ पर अपने समनिंग मैजिक का यूज करने लगता है और वो बहुत ही आसानी के साथ में ऑनिक्स वुल्फ को समन कर लेता है जिसे देखकर अमेंडा एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी यह वुल्फ कंट्रोल से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे बहुत ही अमाउंट में माना एनर्जी मिल गई होती है जिसे देखकर अमेंडा वुल्फ को मारने के लिए जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर टेलीपैथी के थ्रू अमेंडा के साथ बात करने लगता है कि इस वुल्फ को मैंने समन किया है और इसकी मदद से हम फेना को ढूंढ सकते हैं लेकिन मैंने एक गलती कर दी है क्योंकि माना एनर्जी को कुछ ज्यादा ही मैंने इस वुल्फ के अंदर में ट्रांसफर कर दिया था जिसकी वजह से यह मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया है। इस पर अमेंडा बोलती है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर तुम इस वुल्फ को एक नाम दे देते हो तो यह तुम्हारे कंट्रोल में दोबारा से आ सकता है। इस पर स्वॉर्ड मास्टर वुल्फ का नाम ओरिजिन ऑफ डार्कनेस रख देता है लेकिन अब भी वुल्फ स्वॉर्ड मास्टर के कंट्रोल में नहीं आया था और वो स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही वाला था लेकिन तभी वो इवॉल्व होने लगता है क्योंकि इसके अंदर में बहुत ही अमाउंट में माना एनर्जी चली गई थी। और कुछ देर के इंतजार के बाद फाइनली ये इवॉल्व भी हो जाता है जिसे देखकर स्वॉर्ड मास्टर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है एक नाम देने से इतना कुछ बदल सकता है ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था। इसलिए अब स्वॉर्ड मास्टर बिना कोई टाइम जाए कि ये फेना को ढूंढने के लिए जाने लगता है और इस चीज में इसकी मदद ओरिजिन ऑफ डार्कनेस वुल्फ कर रहा होता है जो कि बहुत ही आसानी के साथ में सभी खतरों को पार कर आगे की ओर बढ़ने लगता है लेकिन अमेंडा इन सभी खतरों को पार नहीं कर पा रही थी। इधर हम फेना और उसके साथियों को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और अब फेना को समझ में आने लगता है कि वो स्वॉर्ड के बिना कुछ भी नहीं है और वो ये बोलकर बेहोश हो जाती है। तभी उसके सपने में स्वॉर्ड मास्टर आता है और वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ बस तुम्हें हिम्मत रखनी है। इस पर फेना बोलती है यस स्वॉर्ड मास्टर और वो ये बोलकर स्पाइडर क्वीन के साथ में फाइट करने के लिए चली जाती है लेकिन स्पाइडर क्वीन का पॉइजन इसके अंदर में चला जाता है जिसकी वजह से वह थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। इसलिए उसके साथ ही उसे समझाने लगते हैं कि तुम अपने वेपन के बिना में इस मॉन्स्टर के साथ में फाइट नहीं कर सकती हो इसलिए हम लोगों को एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहिए जब तक हम लोगों का साथी इस जगह पर नहीं आ जाता है क्योंकि वो लोग भी हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे। इस पर फेना अपने साथियों को बताने लगती है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी भले ही मेरे पास मेरा अपना स्वॉर्ड नहीं है लेकिन मेरे पास एक सपना है जो कि ब्लैक कैट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज तक इस पूरी दुनिया में कोई भी ब्लैक कैट इवॉल्व नहीं हुई है। और वो ये बोलकर दोबारा से फाइट के लिए तैयार हो जाती है।
इधर हम स्वॉर्ड मास्टर और ओरिजिन ऑफ डार्कनेस को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में फेना की ओर आ रहे होते हैं और इन लोगों के पीछे में अमेंडा भी होती है। तभी यहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसे ओरिजिन ऑफ डार्कनेस बहुत ही आसानी के साथ में डॉच कर लेता है और ये लोग इन सभी अटैकों को डॉच करने के बाद में एक दीवार के पास आ जाते हैं, जहाँ पर अमेंडा अपने विंड मैजिक का यूज करने लगती है और वो बहुत ही आसानी के साथ में इस दीवार को तोड़ देती है, जिसके अंदर में एक रास्ता होता है जो कि छुपा कर रखा गया था ताकि किसी को भी स्पाइडर क्वीन के पास जाने का रास्ता मिल ना सके। लेकिन फाइनली स्वॉर्ड मास्टर और उसके साथियों ने इस केव को ढूंढ लिया था, जिसके अंदर में फेना थी। इधर हम फेना को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती है और वो स्पाइडर क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर इस जगह पर आ जाता है और वो एक ही झटके में स्पाइडर क्वीन के सभी पैरों को काट देता है, जिसे देखकर फेना थोड़ी सी खुश हो जाती है। इस पर स्वॉर्ड मास्टर फेना की हालत को देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो फेना को ठीक करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर ने अपने हीलिंग मैजिक का यूज कर फेना को पूरी तरह से हील कर दिया था और वो फेना को बताने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं इस जगह पर आ गया हूं। इस पर फेना स्वॉर्ड मास्टर को गले लगाते हुए बोलती है, फाइनली मास्टर आप इस जगह पर आ गए। तभी अमेंडा भी जय पर आ जाती है और वो फेना को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही वो फेना से पूछती है, तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है वो किस तरह की स्वॉर्ड है जो कि किसी के साथ भी टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकती है। इस पर फेना अपने मन में स्वॉर्ड मास्टर से बात करने लगती है कि क्या मैं आपके बारे में अमेंडा को बता सकती हूँ। इस पर स्वॉर्ड मास्टर भी हाँ बोल देते हैं कि तुम मेरे बारे में अमेंडा को बता सकती हो, जिसे सुनने के बाद फेना थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो अमेंडा को बताने लगती है कि स्वॉर्ड मास्टर एक लेजेंडरी वेपन है। जिसे सुनने के बाद अमेंडा थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो बोलती है, क्या तुम सच बोल रही हो कि स्वॉर्ड मास्टर एक लेजेंडरी वेपन है, लेकिन ये आखिरकार तुम्हें कहाँ पर मिला था। इस पर फेना बोलती है, ये एक बहुत ही लंबी कहानी होने वाली है, टाइम आने के पर मैं आपको खुद इस चीज के बारे में बता दूंगी, और वो ये बोलकर इन दोनों एडवेंचरर को हील कर देती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग 6th फ्लोर पर आ गए थे और 6th फ्लोर पर कोई भी एडवेंचरर नहीं होता है, जिसे देखकर ये लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं और अमेंडा बताने लगती है कि क्या हम लोगों को अपने साथियों को ढूंढने के लिए यहाँ से जाना चाहिए। इस पर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ढूंढने के लिए हम लोगों के पास ओरिजिन ऑफ डार्कनेस है। तभी हम लोगों को स्पाइडर क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिसकी आवाज को ये सभी लोग सुन पा रहे होते हैं। तभी हम लोगों को अमेंडा के पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर अमेंडा किसी की केयर कर रही होती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है, हम लोगों को दोबारा से फेना को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है। तभी हम लोगों को बाकी एडवेंचर टीम को दिखाया जाता है, जो कि स्पाइडर मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे थे, जिनमें इन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी और एक एडवेंचर टीम को इन स्पाइडरों ने अपनी कैद में कर लिया था और इन लोगों की जान जाने ही वाली थी। तभी यहाँ पर फेरियन आकर इन सभी लोगों को बचा लेता है और साथ ही वो स्पाइडर मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने के लिए दोबारा से तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखने के बाद फेरियन हम लोगों को बताने लगता है कि अब मुझे तो नहीं लगता है कि मैं जिंदा बच पाऊंगा, क्योंकि इन सभी को अपनी मौत साफ साफ अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर फेना आकर इस पत्थर को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखने के बाद सभी एडवेंचरर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अमेंडा भी इस जगह पर आ जाती है और वो सभी लोगों को बताने लगती है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर बाकी के हम एडवेंचरर टीम के मेंबर को देखते हैं, जो कि स्पाइडर के जाले में फंसे हुए थे, इसलिए ये लोग अमेंडा से मदद मांगने लगते हैं। इस पर फेना बोलती है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ये बोलकर ओरिजिन ऑफ डार्कनेस को इन लोगों को आजाद करने के लिए बोल देती है, जिसे सुनने के बाद ओरिजिन ऑफ डार्कनेस अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से वो बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी को बचा लेता है। और साथ ही यहाँ पर अमेंडा अपने फायर मैजिक को भी यूज करने लगती है, जिसके दायरे में यहाँ पर जितने भी स्पाइडर रहे थे उन सभी की मौत इसी जगह पर हो जाती है और जितने भी मॉन्स्टर बच गए होते हैं उन सभी को अमेंडा अपने विंड मैजिक की मदद से मारने लगती है। तभी हम लोगों को इस गार्डियन स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इस एडवेंचरर के पास जाते हुए बोलती है, उस छोटी सी बच्ची ने मुझे एक मॉन्स्टर कहकर बुलाया था, क्या तुम इसे इस चीज के लिए पनिश कर सकते हो। इस पर यह एडवेंचरर बोलता है, वो एक छोटी सी बच्ची है और उसे नहीं पता है कि तुम आखिरकार कौन हो, इसलिए तुम्हें फेना की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। इधर हम स्पाइडर क्वीन को देखते हैं, जो कि इस जगह पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद फेना बोलती है, मैं इसके साथ अपना बदला लेना चाहती हूँ, स्वॉर्ड मास्टर क्या तुम इस चीज में मेरी मदद करोगे। इस पर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, फेना तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे इस बार यहाँ से जिंदा बचकर भागने नहीं दूंगा।
इस बात को शायद से स्पाइडर क्वीन भी सुन लेती है और वो अपने चारों तरफ जाले बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगती है। लेकिन अमेंडा बोलती है, तुम हम लोगों से बच नहीं सकती हो। तभी गार्डियन स्पिरिट यहाँ पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एडवेंचरर होते हैं उन सभी की इंजरी हील हो जाती है, जिसे देख कर केट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हम फेना को देखते हैं जो कि स्पाइडर क्वीन के साथ में फाइट करने के लिए चली गई थी और साथ ही उसने यहाँ पर अपने फायर मैजिक का भी यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से स्पाइडर क्वीन ने जो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था जिसे वो बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देती है। इस अटैक को देखने के बाद स्पाइडर क्वीन को भी पता चल जाता है कि वो फेना का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन फेना इतनी आसानी के साथ में स्पाइडर क्वीन को जैसे कैसे जाने दे सकती थी। वो यहाँ पर अपने दो एलिमेंट की पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से थंडर मैजिक क्रिएट हो जाता है जो कि सीधे जाकर स्पाइडर क्वीन को लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। इधर हम अमेंडा को देखते हैं जो कि दूर से फेना को थंडर मैजिक यूज करते हुए देख लेती है और वो बोलती है, सच में फेना बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उसे थंडर मैजिक के बारे में बताया था और उसने थंडर मैजिक को सीख भी लिया है। तभी अचानक से स्पाइडर क्वीन फेना के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरती है। इस चीज को देखकर अमेंडा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हम लोगों को अमेंडा की पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, जहां पर उसके पास दो ब्लैक कैट आए थे ताकि वो लोग एडवेंचरर बन सके। लेकिन अमेंडा ने इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इन लोगों की जान चली गई थी। इसलिए वो फेना की जान को बचाने के लिए अपनी रियल पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में माना एनर्जी घूमने लगती है, जिसे देखकर सभी एडवेंचरर थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्योंकि अमेंडा ने एक ही झटके में स्पाइडर क्वीन को जान से मार दिया था, जिसे देखकर एक पल के लिए फेना भी शॉक हो जाती है और वो स्वॉर्ड मास्टर से पूछने लगती है कि अचानक से स्पाइडर क्वीन की जय पर चली गई है। इस पर स्वॉर्ड मास्टर बताने लगता है कि अमेंडा ने स्पाइडर क्वीन को जान से मार दिया है, जिसे सुनने के बाद फेना थोड़ी सी उदास हो आती है और वो अमेंडा को बताने लगती है, स्पाइडर क्वीन मेरा शिकार था, फिर तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों की। इस पर अमेंडा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो फेना से माफी मांगने लगती है। तभी हम लोगों को बाकी एडवेंचर टीम को दिखाया जाता है, जिन्हें वो केव मिल जाता है जिसके अंदर में बहुत सारे ट्रेजर है, इसलिए ये सभी लोग एक एक कर इसके अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर इन लोगों के सामने बहुत सारे माना क्रिस्टल होते हैं, जिसे देखकर फेरियन सभी लोगों को बताने लगता है कि हम लोगों को जब इतना ज्यादा माना क्रिस्टल मिला है, इस चीज की इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इस पर सभी एडवेंचरर भी हाँ बोलते हैं। इधर हम केट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो फेना के पास आकर बोलता है, तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। तभी फेना केट के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देती है, जिसकी वजह से केट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस स्पाइडर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर फेना ने अटैक किया था और गलती से यह अटैक केट को लग गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो दोबारा से फेना को यहाँ पर डांटने लगता है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और अमेंडा अपने पास्ट की बातों को फेना को बताने लगती है कि पास्ट में मेरे पास दो ब्लैक कैट आए थे, लेकिन मैंने इन लोगों को फाइट नहीं सिखाया था, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और ये बोलकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि फेना की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था क्योंकि फेना ने अमेंडा के साथ फाइट की थी और उसने अमेंडा को एकदम बराबरी की टक्कर दी थी, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए फेना तुम्हें खुद को दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम इस डंजन को क्लियर नहीं कर सकी, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने ज्यादा अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, जिसे सुनने के बाद फेना भी थोड़ी सी खुश हो जाती है क्योंकि गिल्ड मास्टर ने फेना को डंजन में जाने की इजाजत दे दी थी। इस पर फेना स्वॉर्ड मास्टर को थैंक यू बोलकर अपने पावर को चेक करने के लिए यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है, हम लोगों को ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए फेना आ गई थी और ब्लैक स्मिथ ने एक नया आर्मर फेना को दे दिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर ब्लैक स्मिथ के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने फेना को जो आर्मर दिया है वो तो दिखने से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन फेना का इतना ज्यादा पेट क्यों दिख रहा है। इस पर ब्लैक स्मिथ बताने लगता है कि मैंने जानबूझकर ऐसा आर्मर फेना के लिए बनाया है, क्योंकि कैट गर्ल के लिए ऐसा ही आर्मर सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, और अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम फेना से पूछ सकते हो। इस पर फेना भी हाँ बोलती है, क्योंकि फेना को भी यह आर्मर बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था।
इस पर स्वर मास्टर बोलता है, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर फैना का कोई दुश्मन उसके पेट के ऊपर अगर अटैक कर देता है तब तुम क्या करोगे? इस पर ब्लैक स्मिथ एक हथौड़े के उठाते हुए फैना के पेट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फैना को कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखने के बाद स्वर मास्टर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी ब्लैक स्मिथ बताने लगता है कि मैंने खास कर फैना के लिए एक प्रोटेक्टिव आर्मर भी बनाया है जो कि फैना को प्रोटेक्ट करेगा। इस बात को सुनकर स्वॉर्ड मास्टर और फैना दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो स्वॉर्ड मास्टर को थैंक यू बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को अमेंडा को दिखाया जाता है जो कि इस वॉरियर के साथ मिलने के लिए आ जाती है। इस पर वॉरियर अमेंडा को बताने लगता है कि फैना कुछ दिन पहले मेरे दुकान पर आई थी और उसने बहुत सारे सामान को अपने लिए खरीदा था, जिसे सुनने के बाद अमेंडा थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से थोड़ी सी उदास भी हो जाती है और वो वॉरियर को बताने लगती है कि क्या तुम्हें वो दोनों कैट गर्ल याद है जो कि मेरे साथ यहाँ पर आए थे? उन दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन मैं ये सब कुछ फैना के साथ होने नहीं दे सकती हूँ, और ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैना डंजन को क्लियर करने के लिए जा रही थी और उसके सभी दोस्त उसे बाय बोलने के लिए यहाँ पर आए थे। इधर हम लोगों को केट की टीम को दिखाया जाता है जो कि फैना को चिढ़ाते हुए बोलती है, भले ही मैं इस बार इस फाइट में हार गया था लेकिन अगली बार मैं फाइट को जीतूंगा। इस पर फैना बोलती है, क्या तुम सपने में फाइट को जीतने के बारे में सोच रहे हो? क्योंकि रियल लाइफ में तो तुम कभी भी मेरे साथ फाइट में नहीं जीत सकते हो। जिसे सुनने के बाद केट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी अमेंडा भी इज्जिया पर फैना से मिलने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर फैना थोड़ी सी खुश हो जाती है और अमेंडा को वो पहली बार मम्मा बोलकर बुलाती है, जिसे सुनने के बाद अमेंडा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी हम लोगों को अमेंडा की पास्ट की मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर हम फैना के मॉम डैड को देखते हैं जो कि अमेंडा के साथ मिलने के लिए आई थी, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमेंडा फैना को बाय बोल रही थी। इस पर फैना भी सभी लोगों को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। इधर हम गिल्ड मास्टर और फेरियन को देखते हैं जो कि आपस में फैना के बारे में बात कर रहे थे कि फैना एक बुरी पर्सन है या नहीं। तभी गार्डियन स्पिरिट इस जिया पर आ जाती है और वो फैना के बारे में बताने लगती है कि वो एक अच्छी इंसान है, क्योंकि पूरे रास्ते मैंने फैना के ऊपर नजर रखी थी, लेकिन फैना ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से मुझे उसके ऊपर शक हो, और साथ ही उसने बहुत सारे एडवेंचर की मदद भी की थी। इस पर गिल्ड मास्टर अपने साथियों को बताने लगता है कि मैं बेवजह ही फैना के ऊपर शक कर रहा था, ये तो एक अच्छी इंसान है और मैं फ्यूचर में कभी भी फैना के ऊपर शक नहीं करूंगा। इधर हम फैना को देखते हैं जो कि फ्लाई कर उस डंजन को क्लियर करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में वो एक मॉन्स्टर के साथ टकरा जाती है जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाती है और वो जिस घर में गिरी होती है वहाँ पर एक नेक्रोमांसर होता है जो कि स्वॉर्ड मास्टर को देखने के बाद बोलता है यह चीज मुझे चाहिए, जिसे सुनने के बाद फैना भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।